हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 1000 मोस्ट अमेजिंग न्यू हेयर स्टाइल, जिसे देखकर आपका भी मन होगा ऐसी हेयर स्टाइल करने का। ट्रस्ट मी गाइस, आपको ये हेयर स्टाइल वीडियो बहुत पसंद आने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आप हमारा क्रिएटिव कॉन्टेंट को देख सकें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ, लाइक जिनके शॉर्ट हेयर हैं वो कौन सा हेयर स्टाइल कैरी करें, जिनके लॉन्ग हेयर हैं, या अगर किसी फंक्शन में आपने साड़ी पहनी है या अकॉर्डिंग टू योर फेस कट, जिनका अगर शेप राउंड शेप है तो वो कौन सा हेयर स्टाइल कैरी करें, अगर उनका ओवल शेप है या डायमंड शेप है तो कौन सा हेयर स्टाइल कैरी करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी डिटेल्स देने वाली हूँ, तो प्लीज़ गाइज एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज की जो हमारी लिस्ट में जो सबसे पहली हेयर स्टाइल्स है वो है आपके लिए जिनके लॉन्ग हेयर है। जिनके लॉन्ग हेयर हैं उन्हें फ्रेंच ब्रेड अगर वो बनाते हैं तो वो काफ़ी बहुत उन पर सूट होगी। फ्रेंच ब्रेड हमारे नॉर्मली 3 स्टेप ब्रेड की तरह होती है, बट इसको हम फ्रॉम टॉप टू हेड से बनाते हैं। देन फिश टेल ब्रेड, ये फिश टेल जैसी ही लगती है, आपने देखा होगा कि फिश पर भी जो वेव बनी होती हैं ये उसी तरह का लुक देती है। देन आपका फिश टेल फ्रेंच ब्रेड, ये ऊपर से नीचे तक फिश टेल फ्रेंच ब्रेड जैसी ही लगती है, और जिनके स्ट्रेट या लॉन्ग हेयर हैं ये उनकी हेयर स्टाइल उन पर काफ़ी सूट करता है। डच ब्रेड, तो डच जो ब्रेड होता है, मतलब ये भी आपका सिंपल 3 स्टेप ब्रेड की तरह होता है, बट ये ऊपर से स्टार्ट होता है और ये पूरा एंड तक जाता है, तो डच ब्रेड लुक भी काफ़ी अच्छा लगेगा जिनके लॉन्ग हेयर हैं। पॉप ब्रेड, इसमें 2 पार्टीशन करके आपका जो लुक दिया जाता है वो रोप की तरह दिया जाता है और ये बहुत ही स्टाइलिश लगता है। देन आपका आता है वाटरफॉल ब्रेड, ये बिल्कुल वाटरफॉल जैसा ही लुक दिया जाता है, ये ओपन हेयर्स में बनाया जाता है और जिनके स्ट्रेट हेयर हैं ये बहुत उन पर ज़्यादा सूट करता है। देन क्राउन ब्रेड, ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये इसमें आपको एक क्राउन का लुक दिया जाता है आपके हेयर्स में, ये बहुत ही सिंपल और एलिगेंट रहता है। इसमें आपके सिंपल ब्रेड बनाए जाते हैं और उनको राउंड शेप में उनको फोल्ड किया जाता है, जैसे कि वो आपका क्राउन का शेप दे। तो फ्रेंड्स, ये आपके जो हेयर स्टाइल थी वो लॉन्ग हेयर्स के लिए स्टाइल थी। अगर आप किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं तो अगर पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं या आपने वहाँ पे गाउन वेयर किया है या आपने कोई सूट वेयर किया है, तो वहाँ पे आपको अगर आप हाफ अप टू पोनी अगर ये हेयर स्टाइल आप कैरी करते हैं तो ये हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छा लगेगा। इसमें आपके हेयर्स को हाफ कवर करके पोनी आप बना सकते हो, ये लुक बहुत ही प्यारा लगेगा। देन आपका आता है क्राउन नॉट हेयर स्टाइल, मतलब पीछे से बन टाइप का बनाया जाता है और आप उस पर ऊपर से आप कुछ फ्लावर या आप उस पर कुछ क्राउन भी आप लगा सकते हो, तो ये पूरा बिल्कुल क्राउन नॉट हेयर स्टाइल लगेगा। देन आपका वाटरफॉल, ये हेयर स्टाइल स्ट्रेट हेयर स्टाइल पर काफ़ी सूट करता है और ये पूरा वाटरफॉल जैसा लुक देता है आपका। इसमें साइड से आप ब्रेड बना के इसको आप, मतलब लेफ्ट साइड से ब्रेड बना के आप इसको राइट साइड से अटैच कर सकते हो और अपने बाल को ओपन कर सकते हो, ये लुक भी काफ़ी एलिगेंट लगता है। देन आपका नेक्स्ट है अनकैप्ड अप टू, आप इसको मैसी बन भी बोल सकते हो। ये नॉर्मल फंक्शन या पार्टी फंक्शन वगैरह में अगर आप इस हेयर स्टाइल को कैरी करते हैं तो ये हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छा लगता है। देन साइड पोनीटेल, ये एक नॉर्मली सिंपल पोनीटेल जैसा रहता है, बस इसमें यहाँ पे डिफरेंस दिया जाएगा कि आप इसको आप साइड से, मतलब अगर आप चाहें तो उसको लेफ्ट या राइट साइड से पोनी बना सकते हैं, ये लुक भी बहुत ही सिंपल और अच्छा लगता है। देन ब्रेडेड बन, इसमें आप साइड फ्रेंच करके आप इसका बन बना सकते हैं, आप चाहें तो लेफ्ट साइड से भी बन बना सकते हैं या आप राइट साइड से भी बन बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यू, ये बहुत ही लुक बहुत ही डिसेंट लगता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं आपको ये हेयर स्टाइल आपको काफ़ी पसंद आई होंगी, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ फटाफट से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।